कभी भी ना दोस्तों, जैसे कि स्टील की सिंक होती है, अगर जैसे कि हारपिक वगैरह से काली हो जाए ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा गंदी है, तो देखिए ये टास्की आटू केमिकल है, इसे दोस्तों बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं स्टील सिंक को। दोस्तों लास्ट में बताऊंगा ये कहाँ पे मिलेगा, कितने का मिलेगा, वीडियो को ना एंड तक देखना है, ठीक है ना। तो अभी देख सकते हैं कंडीशन, इससे भी ज़्यादा ख़राब को दोस्तों आसानी से क्लीन कर सकते हैं ये, फिर भी ठीक है। लेकिन मैं समझा रहा हूँ केवल, जैसे बहुत लोग हारपिक से काला कर लेते हैं क्योंकि हारपिक में एसिड होता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने टास्की आर2 केमिकल ले लिया है, लगभग दोस्तों 4 से 6 ढक्कन यहाँ पे टास्की आर2 है, ठीक है ना। इसके अंदर दोस्तों मतलब आधा आधा मैंने पानी मिलाया है और आधा ही इसमें टास्की आर2 केमिकल है। एक सरफेस है, देखिए इस तरह से जैसे डिटर्जेंट पाउडर काम करता है ना, इसी तरह से काम करता है। इसमें देखिए ढक्कन में मैंने छेद कर लिया है स्प्रे की तरह, इस तरह से। देखिए इस तरह से मार के ये चमक को वापस लाता है दोस्तों, जो केमिकल है, ठीक है। ये देखिए मैंने ना यहाँ पे बर्तन साफ करने वाला जूना लिया है, अब इसे लगभग 5 से 10 मिनट के लिए हल्के हाथों से रगड़ते रहेंगे, इसकी चमक दोस्तों वापस आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि एक से एक बढ़कर यूजफुल टिप्स मैं चैनल पे लाता रहता हूँ। हारपिक से हुई काली सिंक को दोस्तों फिर से वापस दोस्तों चमकदार बनाता है ये केमिकल। और भी दोस्तों चीज़ें हैं जो घरेलू चीज़ें हैं दोस्तों, और भी मैं आगे जानकारियाँ लाऊँगा, चैनल से जुड़ें। अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा इसको लगभग 10 मिनट के लिए रगड़ते रहेंगे, जितना रगड़ेंगे इसकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। तो देखिए इस तरह से हम इसको धो लेते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो सिंक है ना बिल्कुल दोस्तों चमाचम हो गया है। तो दोस्तों ये जो इस केमिकल है ना दोस्तों, किराना स्टोर पर मिल जाएगा, ये टास्की आर2 केमिकल के नाम से आता है दोस्तों, ये इसको ला सकते हैं अपने घर पे, ठीक है। तो और भी जानकारी दोस्तों आगे भी लाने वाला हूँ, चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।